मोदी सरकार लगातार मनरेगा को जो कत्ल कर रही है, जो ट्रेन दुर्घटना हुई है काफी दुखद घटना है, रेलवे के निजीकरण और ठेकाकरण का परिणाम है। मैन से लेकर के ग्रुप बी ग्रुप सी से लेकर के सिग्नल मैन से लेकर के इंजीनियरिंग से सेक्शन में सभी स्तर पर रेलवे में 3 लाख पद खाली पड़ी है। आप देख रहे हैं केवल सच। भाविक मौत मरने के लिए केंद्र सरकार छोड़ दी है। मोदी सरकार लगातार मनरेगा को जो कत्ल कर रही है, एक तो मजदूरी नहीं बढ़ा रही है, जब 228 रुपए में कौन काम करना चाहेंगे, न्यूनतम मजदूरी कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मनरेगा में दीजिए। 600 रुपया डिमांड है कि मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी मिले और साल में 200 दिन काम मिले। पेंशन 400 रुपए मिलते हैं कम से कम, वृद्धा पेंशन, विधवा जो नागरिक हैं, जो विकलांग हैं, जो सरकार दिव्यांग कह रही है, लेकिन पेंशन मात्र 400 रुपये, तो पेंशन बढ़ा करके इसको 3000 रुपये किए जाए। ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है, रेलवे के निजीकरण और ठेकाकरण का परिणाम है कि लगातार ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, ट्रेनें लड़ रही हैं, क्योंकि 3.5 लाख रेलवे में ट्रैक मैन से लेकर के ग्रुप बी ग्रुप सी से लेकर के सिग्नल मैन से लेकर के इंजीनियरिंग से सेक्शन में सभी स्तर पर रेलवे में 3.5 लाख पद खाली पड़ी है। ये 9 साल में मोदी सरकार रेलवे को ये बेचने की दिशा में सरकार काम कर रही है, तो सरकार रेलवे बेच रही है, हमें रेलवे को बचाना है, क्योंकि रेलवे रोजगार देता है, क्योंकि रेलवे सबसे सस्ता यात्रा सुरक्षित यात्रा था सबके लिए था, पूरी दुनिया में इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती थी। आज पूरी दुनिया से जात में अब देखिएगा तो भारत में लगातार यात्रा महंगी हो रही है और सुविधा कम होती जा रही है ट्रेन में। तो ये सब इश्यूज पे ये जो नई शिक्षा नीति है, तो खेत मजदूर ग्रामीण मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको उच्चतर शिक्षा से बाहर करने की ये नई शिक्षा नीति 2020 मोदी सरकार लाई है। 4 श्रम कोड है जो पूंजीपतियों कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड है, जो मजदूरों को यूनियन बनाने की अधिकार, संघर्ष करने का अधिकार, बहुत सारे उनके सोशल सिक्योरिटीज ये सब छीन लिया जाएगा। तो 4 श्रम कोड के खिलाफ में ये सम्मेलन आयोजित है, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भाजपा भगाओ देश बचाओ ये सम्मेलन का हम लोगों का नारा है। और 2024 में जो आने वाला चुनाव है, हिंदुस्तान में जितने मजदूरों को गरीबों को इन लोगों ने भूखों मारा है, जितने मजदूरों को बेरोजगार बना करके रखा है, 2024 में चुनाव जो इन लोगों को गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए हैं जमीन देने के बजाय, पक्का मकान देने के बजाय, तो 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के भूमिहीन, हिंदुस्तान के गरीब मोदी सरकार से बदला लेने का काम करेंगे और इनको सत्ता से हटाने के लिए मजदूरों का, गरीबों का, भूमिहीनों का वोट होगा। अभी मैंने सुना है कि अभी ट्रेन हादसा जो हुआ था उसमें कई जो वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए या कोई भी दुर्घटना हुई उसमें आप मिलने के लिए गए थे। हम लोग सदर अस्पताल में भाजपा माले की टीम गई थी, हमारे छात्र जिला संगठन भी गया था, हम लोग इलाज के लिए मिलने के लिए गए थे, बंगाल के हम लोगों ने घायलों से मिला, यात्रियों से मिला, कई जगहों में 5 लोग भर्ती थे, फिर उनको एम्स में रेफर किया गया। हम लोग वहाँ पे रघुनाथपुर में भी भाजपा माले की उच्च स्तरीय टीम राजू जाधव दिलाज प्रीतम जी नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ हम लोग ने देखा कि घटना तो तकरीबन 9:45 की है, 9:25 लोग बता रहे थे, 128 के स्पीड में ट्रेन चल रही थी। तो ट्रेन जब पटरी से उतर गई तो बक्सर का प्रशासन वहाँ 1.5 घंटा बाद पहुँचते, स्थानीय लोगों ने, ग्रामीण जनता ने, हमारे विधायक वहाँ अजीत कुशवाहा जी और ग्रामीण जनता ने, सारे लोगों ने वहाँ पर दबे हुए लोगों को खींचना, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना, छिपटा रहे, करा रहे लोगों को एम्बुलेंस में लादना, ये सब करना, तो ग्रामीणों ने काफ़ी हम भूमिका निभाई है, नहीं तो और जाना जाता, अगर हम लोग दबे हुए थे 4 घंटा बाद उनको निकल जाता तो मर जाते। आपके कहने का मतलब है कि जब घटना हो जाती है तो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन मूल बात है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन और रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट जो रेलवे को दिया जा रहा है, ठेकाकरण निजीकरण रेलवे का जो हो रहा है उसी का नतीजा है ये रेल हादसा। बहुत बहुत धन्यवाद।